आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के परिजनों से सवाल किया है कि किसी व्यक्ति, भले ही वो युद्ध का हीरो हो, की जीवन गाथा पर कॉपीराइट कैसे लागू हो सकता है जब वह प्रकाशित ही नहीं हुई हो। बता दें कि मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की विजय गाथा पर एक फिल्म बनाई जा रही है। इस पर जसवंत सिंह के परिजनों आपत्ति जताई है। उनकी दलील है कि फिल्म की कहानी कॉपीराइट और उनकी निजता का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर और 300 चीनी सैनिकों को मारकर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं। इस फौजी ने अकेले ही चीन को धूल चटाई और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा होने से रोक लिया। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में बने जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल में 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं।